कॉकटेल को गर्मियों में क्या खुराक देनी है और गर्मी से बचाना कैसे है, ये तमाम बातें आपको बताऊंगा और वो गिजाएं बताऊंगा जो कि गर्मी में खिलाने से आपका टेम्परेचर यानी कि बर्ड की बॉडी का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहेगा। लेकिन उससे पहले सो हाय गाइस, यू आर वॉचिंग माई चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहसन जफर कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। इतनी बड़ी दुनिया में आप हमें कहाँ दोबारा ढूंढते रहेंगे, उससे बेहतर यही है कि आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी जितनी वीडियोस भी देखते हैं उन सबको लाइक कर लिया करें, क्योंकि इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमें बहुत कुछ देगा अल्लाह। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि गर्मियों में कॉकटेल को क्या गिजाएं देनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। गर्मियों में कॉकटेल को आपने बाजरा नहीं देना, क्योंकि कॉकटेल खाता ही नहीं है। सर्दियों में फिर भी थोड़ा बहुत खा लेगा, गर्मियों में नहीं खाएगा, और अगर आपने बाजरा डाला तो वो उल्टियाँ भी कर सकता है। ये उस कंडीशन में कह रहा हूँ मैं कि अगर आपने इंडोर रखे हुए और बहुत ज़्यादा तपिश पड़ रही है। जो लोग आउटडोर रखते हैं वो थोड़ा बहुत बाजरा इस्तेमाल करते हैं, हरा कबूतर का बाजरा, उससे परिंदों को कुछ भी नहीं होता वो। लेकिन उसकी वजह ये होती है कि आउटडोर होते हैं, हवा चल रही होती है, इसलिए बाजरा खाने में कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर तपिश हो रही हो, कमरे के अंदर सेक पड़ रहा है और आपके बर्ड हाँप रहे हैं, ऐसी सूरत में अगर आप बाजरा देंगे तो भाई आपसे बड़ा कातिल कोई नहीं होगा। और जो लोग आउटडोर में ब्रीड करवा रहे हैं और हरा कबूतर बाजरा इस्तेमाल करना चाहते हैं कॉकटेल के अंदर, वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, हरा कबूतर बाजरा लिख के सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। अब बात करते हैं डाइट की। देखें, आप अपने बर्ड्स को पानी साफ सुथरा दें। गर्मी है क्योंकि प्लास्टिक सड़ जाता है जब आप पानी डालते हैं उसको, एक घंटे बाद ही वो ऐसा हो जाता है, जहर बन जाता है पूरा का पूरा। तो अब आप सोचेंगे ऐसा क्या करें भाई, पूरा एक घंटे बाद डेली बेसिस पे पानी चेंज करते रहें, इतना फारिग कौन होगा। यार कोशिश करें कि आप प्याला ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पे ड्रॉपिंग्स ना गिरें, या ऊपर वाले खाने से गिरने वाला कचरा उसके अंदर ना गिरे, या फिर कोई ऐसे आप इक्विपमेंट इस्तेमाल करें जिनमें पानी जो है वो साफ रहता है। बहुत सारे ऐसे गैजेट्स मिलते हैं दुकानों से, पेट शॉप से, जिनमें पानी जो है वो सेफ रहता है काफ़ी देर तक और उसको लटका दिया जाता है बॉटल नुमा, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका भी यही है कि पानी गंदा नहीं होगा, पहला तो पानी की शर्त हो गई। उसके अलावा पानी के अंदर तकरीबन 3 कतरे जो है वो सिरका मिला दिया करें, पानी के अंदर 3 कतरे सिरका, किसी भी सेब का सिरका, किसी भी ठंडे फ्रूट का सिरका आप मिला दें, उसमें आपके बर्ड जो है वो उनका हाजमा भी ठीक रहेगा, गर्मी की वजह से उनके पेट भी ख़राब नहीं होगा। आप अपने बर्ड्स को गर्मी के अंदर पानी में ORS भी मिलाकर दे सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें एक दिन में नहीं मिलानी। जैसे सिरका भी डाल दिया, ORS भी डाल दिया, ऐसा आपने नहीं करना। किसी दिन से हफ्ते में तकरीबन एक बार सिरका डाल दें और पूरा हफ्ता ORS के पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ORS का पानी जो होता है वो नमकियात की कमी पूरी करता है और पानी की कमी भी पूरी करता है। इसी के साथ साथ दाने के अंदर जो आप ठंडी गिज़ा मिलाते हैं उसका जो मिलावट है वो ज़्यादा करें। जैसे जई है, जई ठंडी होती है, तो जई को ज़्यादा रखें अपने पास, क्योंकि बर्ड जई बहुत शौक से खाता है। इसके अलावा गर्मी से बचाने के लिए भुट्टा बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप बोलेंगे भुट्टा तो खुद गर्म होता है तो गर्मी से कैसे बचाएगा। देखें, भुट्टा गर्म ज़रूर है, उसकी तासीर गर्म है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि पेट में जाते ही वो बम की तरह फट जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे अंडा गर्म है लेकिन गर्मियों में हम खाते हैं, और डॉक्टर खुद ये कहता है कि भले गर्मी हो या सर्दी, मंडे हो या संडे, रोज़ खाओ अंडे। तो वो चीज़ जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जई, और जई इस्तेमाल कर सकते हैं इसी के साथ साथ कैनरी सीड। अब कैनरी सीड भी गर्म होता है, हाई प्रोटीन होता है, लेकिन भाई जब प्रोटीन होगा बॉडी के अंदर तभी तो वो बॉडी गर्मी बर्दाश्त कर पाएगी। अपने दाने में जई, कैनरी सीड और सनफ्लावर सीड्स, थोड़े से सनफ्लावर सीड जो है वो थोड़े रखिएगा, जई बहुत ज़्यादा रखिएगा, और जई के अलावा कैनरी सीड का भी इस्तेमाल कीजिएगा। कैनरी सीड जो है वो महंगा हुआ हुआ है, लेकिन आपकी मर्जी, अगर आप अफोर्ड कर सकें तो उसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। हाई प्रोटीन है, प्रोटीन देता है बॉडी को, और गर्मी में प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है। अब सॉफ्ट फूड में क्या देना है बर्ड को, देखें सॉफ्ट फूड में सबसे बेहतरीन गिज़ा जो है वो है भुट्टा। भुट्टे के बाद अगर आप आ जाएं तो ये पेठा भी खाते हैं। पेठा क्या होता है, पंपकिन होता है पेठा, कद्दू, जो बड़ा सा कद्दू नहीं होता, पंपकिन इंग्लिश वाला, तरबूज के जितना, तरबूज से भी बड़ा साइज़ होता है, खरबूजे जितना साइज़ होता है, उससे ही बड़े बड़े साइज़ के आते हैं, वो पंपकिन कहते हैं उनको। वो आप काट के खिलाएंगे पेठा अगर, तो ये वो भी खाते हैं। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि अगर आप आलू उबाल के इनके पास रखेंगे ना तो ये वो भी खाना शुरू कर देंगे, ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा और ठंडी गिजाएं क्या क्या होती हैं, आप खरबूजा भी रख सकते हैं, ये खरबूजा भी बहुत शौक से खाते हैं। गाजर को कद्दूकश करके छोटे छोटे रेशे बना के वो भी ये खाते हैं। उसके अलावा चुकंदर को जब आप कद्दूकश करेंगे तो वो भी ये बहुत शौक से खाते हैं। गर्मियों में कोशिश करें कि चने के अलावा, यानी चना कम दें या हो सके तो ना दें तो बेहतर है। अगर आप पंपकिन वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर चुकंदर, गाजर, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप जो है इन्हीं का इस्तेमाल करते रहें। जो चने हैं ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, बहुत ज़्यादा, जब गर्मी होती है तो उससे फ़र्क पड़ सकता है थोड़ा बहुत इनको। जब गर्मी बहुत ज़्यादा उरूज पर होती है ना तो निज़ाम हज़म जो है वो थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है। जाहिर है गर्मी बाहर है, फिर पेट के अंदर भी गर्मी है, फिर खाने में भी आप गर्म चीज़ें देते रहेंगे लगातार, तो थोड़ा बहुत असर पड़ता है, मोशन लग सकते हैं ऐसी सूरत में। अगर आपके बर्ड को मोशन लग जाए तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ, अगर आप 1 महीने से देख रहे हैं फिर भी बाज नहीं आ रहे, किसी से पूछ नहीं रहे, मेडिसिन नहीं डाल रहे, तो फिर परेशानी वाली बात है। लेकिन जब भी आप
कभी देखें कि बर्ड हमारा मोशन कर रहा है और आपको दवाई डालनी पड़ेगी। दवाई अच्छी से अच्छी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर करने का तरीका, ये मेडिसिन लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इस गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कीजिए, जैसे लौकी होगी। लौकी भी कॉकटेल बहुत शौक से खाते हैं, अगर आप कद्दूकस करके देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे। गर्मियों में पालक के बजाय अगर आप लूसन देंगे तो वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि लूसन में जो है ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और पालक जो है उसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, तो गर्मी में आयरन हजम नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होता है कि गर्मी, सख्त गर्मी के अंदर अगर हम पालक डालते हैं तो बर्ड्स खाने के बाद जो है वो थोड़ा सा मोशन वगैरह करना शुरू कर देते हैं। टेम्परेचर अच्छा ना होने की वजह से, या फिर वेंटिलेशन अच्छी ना होने की वजह से, या फिर कॉकटेल को गर्मी बहुत ज़्यादा लगने की वजह से ये मोशन तो करते हैं, लेकिन इस मोशन से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा सा टेम्परेचर मेंटेन करें, पंखा लगा दें, साथ मेडिसिन देते रहें, तो आ ये मोशन बहुत मामूली चीज़ है, फ़ौरन ठीक हो जाते हैं। लेकिन खतरनाक बात यह है कि आप एक महीने से देख रहे हैं कि मेरे बर्ड को मोशन लगे हुए हैं, और एक महीने से आप देख रहे हैं गर्मी हो रही है, तपिश हो रही है, फिर भी आप एक महीने से सोच रहे हैं कुछ करने का, तो फिर तो यार हैरत की बात है कि आप क्या कर रहे हो। अब अगर कोई पूछे गर्मियां बहुत ज़्यादा हैं, ब्रीड लें कि ना लें, भाई आप ज़रूर लें ब्रीड, थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन कर लें और ब्रीड लें। ये गर्मियों में भी ब्रीड करते हैं, लेकिन तपिश के अंदर ब्रीड नहीं करते। परिंदा जो है वो सर्दी से नहीं मरता, लेकिन गर्मी से मर जाता है। याद रखें, गर्मी को आपने पैदा होने से रोकना है अपने शेड के अंदर। पंखे वंखे लगाएं, उसका निज़ाम करें कुछ, या खाने में जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनका इस्तेमाल करेंगे तो परिंदा आपका ठंडा रहेगा और मरने से बच जाएगा, या आपके चिक्स जो है वो मरने से बच जाएंगे। किसी किस्म का नुकसान होने से पहले ही आपका जो है ना, आप संभाल पाएंगे उसको। और जिन लोगों को कारोबार करना है भाई कॉकटेल का, खुदारा अच्छी म्यूटेशन रखो, बड़े लेवल की म्यूटेशन रखो। अब आप इनो से ऊपर आ जाओ। देखें, इनो जो है वो सीधी सी बात है कि चलता फिरता कैश है। इनो और क्रीम जो है ये दोनों रनिंग आइटम है, लेकिन भाई रनिंग आइटम उनके लिए हैं जो लोग बेचारे नए नए आ रहे हैं। अब आप पुराने बंदे भी अगर यहीं तक रहोगे कि भाई इनो से ही ब्रीड लेनी है, तो लो ज़रूर आप, हम आपको इनो रखने से मना नहीं कर रहे, लेकिन यार कम से कम तोते रखो, और ज़्यादा से ज़्यादा बड़े पिंजरे हों आपके पास, और म्यूटेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई लेवल की आप रखें। उससे होगा ये कि बेशक आपके पास पैरट्स कम होंगे, लेकिन नज़र आएगा, चीज़ आपकी पता चलेगी अलग से कि यार बंदे ने सिर्फ 10 जोड़े रखे हुए हैं, लेकिन इसके 10 जोड़े और किसी ने 100 जोड़ा रखा हुआ है, उसका भी सेटअप अच्छा ना लग रहा हो आपके आगे। इतनी हैवी म्यूटेशन रखें, इसमें बहुत सारी म्यूटेशन आती हैं, आप लोगों को तो अभी पता भी नहीं है इसमें क्या क्या म्यूटेशन आती हैं, आप लोगों ने देखी नहीं है या नाम नहीं सुने। देखें, इसके अंदर म्यूटेशन आती है, क्रीम फेस हो गया, इसके अलावा वी पाइट फैलो हो गए, क्रीम फेस वी पाइट फैलो हो गया, इसके अलावा जो है वो एमराल्ड्स हो गए, एमराल्ड्स आते हैं, इसके अलावा सिल्वर आते हैं, ठीक है, सिल्वर भी आते हैं, इसके अलावा इनमें पार ब्लूज होते हैं, पार ब्लूज भी इनमें आते हैं भाई, एग्जीबिशन कॉकटेल्स भी इनमें आते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए या हैवी म्यूटेशन से मुतल्लिक कोई भी चीज़ चाहिए तो आप मुझसे राबता कर सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, वो जो म्यूटेशन चाहिए उसका नाम लिख के सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। तेज तरीन ब्रीडिंग के लिए तेज तरीन ब्रीडिंग फार्मूला है हमारे पास, वो आप हमसे मंगवा के इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप ब्रीड ले रहे हैं और टेम्परेचर कंट्रोल्ड है तो। अगर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है तो फिर फायदा नहीं है, इस तरह की चीज़ें हमसे मत मंगवाइएगा, बिकॉज बहुत हैवी होती है ये, इससे बहुत तेज़ी से बर्ड जो है वो हीट पर आता है। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। अब कराची में घर बैठे अपनी पसंद का दाना मंगवाइए, सीधा आपके डोर स्टेप पर आएगा, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दाना साफ सुथरा खिला खिला दाना है, जिस तरह चावल होता है ना वनस्पति खिला हुआ, उस तरह की चीज़ आपको मिलेगी। अगर आप बोलेंगे यार हम तो दुकान वाले से 180 रुपये किलो लेते हैं, तो हम आपको 180 रुपये किलो बना देंगे। अगर आप बोलें जी हमें 250 वाला बनवाना है, या हमें सबसे प्रीमियम दाना बनवाना है जिसमें बाजरा नहीं होता बिल्कुल भी, तो ऐसा दाना भी आपको मिल जाएगा हर तरह से, 40 किलो 50 किलो जो भी है भाई आपके डोर स्टेप पर पहुँचेगा। मामूली सी डिलीवरी चार्जेस आपसे ली जाएंगी, दाने में हमें बचत नहीं होती, डिलीवरी चार्जेस में थोड़ी बहुत बचत हो जाती है। ऑर्डर करने का तरीका ये है, इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए उसका नाम लिख के सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040।